व्हाट्स अप गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज मैं तुरंत सो के उठा, मतलब मैं कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाया, फ़ोन की बैटरी एकदम डेड हो गई थी। और आते आते ही मैं एक बहुत ही, मतलब सो के उठते ही मैं एक बहुत ही अमेजिंग जगह पे आ गया हूँ। वो अमेजिंग जगह है, टाइटल में पता लग ही क्या होगा, यस, महाबलेश्वर। क्या हो गया, क्यों पाव पड़ रही हो, क्यों पाव पड़ रही हो, मत कर यार। हेलो, हाय बोल दो व्यूअर्स को। हेलो, हाय। तुम भी बोल दो, क्या क्या नाराजगी है। हाय, कोई देख सकते हो, ये ओवर एक्टिंग की दुकान है बहुत बड़ी। नहीं रुको, सुनो, उसके फोन पे देखो क्यूआर कोड पड़ा है, पहले उसको पैसे दो। हाथ लगाने के, प्लीज धक्का मत देना, वो गुस्से में है, वो देख रहा, अभी मारेगा, देखने लात छू लो ना, कुछ नहीं करेगा। अरे डरपोक लड़की, ओके, वो सारी उसको ब्रेकअप हुआ उसका। ब्रो चिल चिल ब्रो, गर्लफ्रेंड कहीं नहीं गई है, ये डरपोक लड़की देखिए। आप नहीं डरते क्या? आप नहीं डरते आप लगा। मैं नहीं डरता, ये डरती है। हाँ, अरे मैम आपके जूते गंदे तो नहीं हुए? अच्छा तुम इधर आओ, अंदर आओ। अरे मेरे को इधर बैठे ना, मैम का देखभाल करना होगा, जूते तो गंदे नहीं होने चाहिए, साफ सफाई रहनी चाहिए। So, कैसा लग रहा है आपको एक्सपीरियंस? अभी शुरू होने दो, फिर बताएंगे। हाँ, ठीक है ठीक है, आपकी गर्लफ्रेंड कहीं नहीं जा रही है, डोंट वरी। मैडम थोड़ा आगे सर के बैठो। हाँ। अंकल कैसा लग रहा है? इधर देख के बताओ अंकल। बहुत बढ़िया। बस। मैम आपको कैसा लग रहा है? मैम बस ये 15-16 घंटा किधर है पेड़ वाला? ये 15-16 घंटा ऑक्सीजन छोड़ता है, देखो करके यहाँ का वातावरण ठंड शुद्ध रहता है। ये पहाड़ी के ऊपर बेरी फ्रूट ज्यादा आता है, ये पहाड़ी के ऊपर राजबेरी मलबेरी गुजबेरी चित्तूर ऐसा फ्रूट आता है, उसका जाम जेली स्वीट आइसक्रीम बनाया जाता है। बाजीराव मस्तानी का सीन होती है ये मैदान के अंदर, बाजीराव मस्तानी का लड़ाई का सीन बताया था, ये राजा हिंदुस्तानी का पालन खेल। बोलते हैं सब ब्लॉग में गंदी बात, पारसी पॉइंट है। हाँ, पारसी पॉइंट ये करो, उसके बाद केटस पॉइंट है, मैप्रो गार्डन है सर, ऐसा पूरा आपको पूरा पॉइंट आगे आगे लगे शाम के टाइम पे वेना लिख करो सर। हाँ, वो बोटिंग का रहता है, शाम के टाइम अच्छा लगता है। 5 बजे हाँ, पर वो हो जाए। चलो 1 go। अरे एक डायरेक्शन करो ना गाइस, बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही मजा आ रहा है महाबलेश्वर में। एकदम धूप कड़क के निकली हुई है, हालांकि हल्की हल्की ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है। और आप जो पीछे देख सकते हैं, ये स्ट्रॉबेरी के बगीचे हैं, स्ट्रॉबेरी का मतलब उगती है, फार्मिंग वगैरह इसकी जो भी होती है। और बहुत ही मज़ा आ रहा, अभी हम लोग 2-3 पॉइंट गए थे, जैसे पारसी पॉइंट और अपना टेबल पॉइंट गए थे। अब आगे मेरे ख्याल से टाइगर पॉइंट, मंकी पॉइंट है, काफ़ी जगह है। धीरे धीरे मैं सब कुछ ब्लॉग में कवर करूँगा, आपको लेके चलूँगा, एक एक चीज़ दिखाऊँगा महाबलेश्वर के बारे में। सो इन्जॉय द ब्लॉग। टेम्पल का नाम है सिद्ध रामेश्वर मंदिर, जो कि शिव जी का टेम्पल है, बहुत ही खूबसूरत मंदिर है। और मैं पहले भी एक बार आ चुका हूँ यहाँ पे मंदिर में, और फिर से लगभग 3-4 साल बाद वापस आ रहा हूँ। और चलिए इस ब्लॉग को इस पर कैप्चर करते हैं, देखते क्या होता है। पूरे
एम्ब्रॉयडरी आइटम्स है यहाँ पे, अलग अलग सामान ले सकते हैं। बस खाने पीने की बहुत अच्छी अच्छी जगह है। इसका रेट क्या है भाई, इसका रेट बता रहे ना आप? कितना भाई? बहुत महंगा दे रहे हो यार। भाई बहुत महंगा बता रहा है ये, ऐसा क्यों भाई? क्या किस बात तुम गुस्सा हो हम लोग से? बहुत ही पुराना टेम्पल। यहाँ जो भगवान शिव की मूर्ति है बहुत पुरानी प्राचीन मूर्ति मानी जाती है। महाबलेश्वर का सबसे पुराना टेम्पल शिव भगवान के यही है। रीटेक। तो गाइस जैसे अभी हम लोग दर्शन करके वापस आ रहे हैं, मैं आपको पूरा अंदर का वीडियो तो नहीं दिखा पाया क्योंकि अलाउड नहीं होता फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी, पर जितना मैं कवर कर पाया उतना मैं आपको व्लॉग में दिखाऊंगा। गाइस अब हम लोग आ चुके हैं महाबलेश्वर के सबसे फंकी और मंकी पॉइंट में। आपको यहाँ धीरे धीरे भीड़ के साथ साथ बंदर भी दिखेंगे। हाँ किधर है मंकी भाई? नाइस। बहुत ही प्यारा व्यू, बहुत ही अच्छा व्यू देखने को मिल रहा है यहाँ से। हाय। हम लोगों ने मंकी भी देखे, बहुत सारे मंकी सब घूम रहे हैं। देखो है, ये सब मंकी भी सब घूम रहे हैं। देखो आप भी हो, डेफिनेटली हो आप सब है। फिर तो ये भी गोरिल्ला भी है कुछ कुछ। हेलो नहीं हो रहा यार, नहीं हो रहा, कोई नहीं हो रहा। अंकल कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे आके? बहुत मजा आ रहा है। हाँ गर्मी बहुत है, गर्मी बहुत है। अभी तो सुबह सुबह हम लोग आए तो बहुत ठंड थी, सुबह सुबह तो जब पहुंचे थे। उसके मुकाबले कम हो गई है ठंड। चलो बताओ निष्ठा। मुझे बहुत डर लग रहा है अन्या सर होने में। पापा कह रहे हैं फोटो खिंचवा, पर पापा का मोबाइल मम्मा के पास। हेलो अंकल की कोशिश है चलाने की लेकिन आवाज वापस आई नहीं अंकल की। अंकल आप फेल हो गए। काफी अच्छा वेदर हो रखा है, सबको विजिट करना चाहिए महाबलेश्वर। हाँ और क्या, थोड़ा सा और बताओ। बस आ चुके हैं अपने वन ऑफ द लास्ट पॉइंट। आज का दिन बहुत ही हेक्टिक रहा बट बहुत मजा आया महाबलेश्वर में। लास्ट पॉइंट विल बी द बोटिंग पॉइंट। बोटिंग पॉइंट के साथ साथ यहाँ पे हॉर्स राइडिंग भी होती है, बहुत मज़ा आता है, काफ़ी अच्छा रहता है व्यू। Soon to be a cabin crew. अभी से ही प्रैक्टिस होते नहीं चल। ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर क्या आई है? देखो ना सीधा सीधा कैमरे में। तो कोई जगह नहीं थी ना करने के लिए।
गाइस अभी बोटिंग के लिए रेडी हो रहे हैं। सो गाइस अभी बोटिंग के लिए रेडी हो रहे हैं और देख सकते हैं कितनी ज़्यादा भीड़ है पीछे की, कितनी ज़्यादा भीड़। ये तो बड़ा होएगा ना, मतलब मेरे को लगता है ओमिक्रॉन यहीं से स्प्रेड होएगा, मेरे को ऐसा लगता है। ये बोलने की जरूरत नहीं है। ओके तनु रेडी 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 माने रेडी 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 लविशा रेडी अरे यार ये क्या है यार इसका ये बटन खोल दूं निष्ठा बाय। अरे यार देवा जी चले गाड़ ले देवा चलो मास्क उतार दो। भैया क्या है फिर हाइट है पानी की गहराई कितनी है? 120 फीट है। अरे यार तो ये 120 फीट आपसे रुक जाओ। हाय ये बहुत फेक लग रहा है। ये बोल देखो आप ही देखो इससे अच्छा नहीं खेला भैया। कितना हाइट है इसका? अभी 120 फीट है नीचे। ओके यही वाटर जाता है पीने के लिए मेन मार्केट में महाबलेश्वर पचगनी यही से। अच्छा महाबलेश्वर में ये पानी जाता है पीने के लिए पचगनी में। अच्छा लेक है ये वेना रिवर है। ओके ये रिवर है ये पूरी रिवर है ये। यस वेना रिवर है ये। ओके आपके सामने प्रताप सिंह पार्क सामने जो बड़ा टावर दिख रहा है ऊपर। हाँ सनराइज पॉइंट है विंसन पॉइंट। ओके अपना जो लेक पूरा भरने के बाद उसके ऊपर से वर्क होता है सामने देखो डैम है। अच्छा वो सामने हाँ डैम है सामने पर डैम उसके पूरा लेक भरने के बाद उसके ऊपर से यानी पानी वर्क हो जाता है। ओके काफी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी भैया आपने, थैंक यू सो मच भैया इन्फॉर्मेशन के लिए। सामने देखो सामने का भी निकालो व्यू देखो थोड़ा ये देखो कॉक कैसा आ रहा है नीचे देखो सामने देखो। हाँ हाँ वो आ रहा है पूरा कैमरा में आ रहा है। मंदिर है सामने आपके सामने हनुमान जी का टेम्पल है। अच्छा हनुमान जी का टेम्पल है उधर। हो ठंडी बढ़ती जा रही है ठंडी बढ़ती जा रही है। अच्छा अगर हम कानपुर के अपने कानपुर में जो नाव चलती है उधर गंगा किनारे उधर जा रहे हैं पूरा ऐसे फील। भैया आपकी जो बोटिंग है ना यार कमाल की, उससे मुझे कानपुर की पूरी गंगा किनारे की पूरी बोटिंग याद आ गई यार कमाल। इतनी ठंड महाबलेश्वर में कभी सोचा नहीं था कि इतनी ठंड पड़ेगी। भैया तो फिर भी हाफ टी शर्ट में ही है। भैया को ठंड नहीं लग रही है लेकिन हम लोग को बहुत ठंड लग रही है। ओ क्या बात है वाह 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 बहुत बढ़िया भैया बहुत बढ़िया। क्या कंटेंट दे रहे हो आप अपने ब्लॉग के लिए बहुत बढ़िया। यानी इसका ब्लॉग देख के बच्चे बॉर्नविटा पीना शुरू कर देंगे। हाँ देखो जो भी मेरे व्यूअर्स है ब्लॉग देख रहे हैं यार जो बॉर्नविटा नहीं पीता पी लो यार स्टार्ट कर दो वरना बहुत बुरी हालत होती है। अभी हम लोग बोटिंग करके आए बहुत मजा आया लिटरली और ट्रैफिक भी बहुत ज्यादा है। अभी हम लोग जा रहे हैं यहाँ की जो महाबलेश्वर की लोकल मार्केट है प्लस यहाँ पे कुछ राइड्स कह सकते हैं राइड्स लगी हुई है जो उस पर थोड़ा सा इन्जॉय करेंगे। हाँ मैं नहीं करूँगा देखो लिटरली मैं नहीं करूँगा क्योंकि मुझे ऐसी ऐसी राइड्स में बहुत डर लगता है जो फैक्ट बात है। अभी इकट्ठा करेंगे ना।
कि हम जस्ट 10 मिनट पहले पुणे वापस पहुँचे हैं महाबलेश्वर से, और एज यूजुअल मेरी फ़ोन की बैटरी वापस डाउन हो गई तो मैं व्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पाया एंड का। तो बहुत ही अच्छा ट्रिप रहा, मेमोरेबल ट्रिप था, बहुत मज़ा आया। पूरा जितना मैंने कवर किया मैं सब व्लॉग में दिखाऊँगा, और आपको होप्स आपको मेरा व्लॉग पसंद आएगा। मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए।